हेलो दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए भोजपुरी वर्ल्ड चैनल से बिल्कुल फ्री में, और घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले भोजपुरी की कोई भी खबर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, आज की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 31 तारीख को था बिहार बंद। जी हां, खेसारी लाल यादव के ऊपर हुए हमले के विरोध में खेसारी लाल यादव के प्रशंसक या कहे तो भोजपुरिया समाज, जो कि इस घटना को निंदा की और साथ ही साथ सरकार तक बात पहुँचाने के लिए 31 तारीख को बिहार बंद रखा गया था। जैसे कि आप लोग फोटो देख रहे हैं कि कहीं पर आग जली हुई तो कहीं पर रोड जाम किया गया खेसारी लाल यादव के समर्थक के साथ। और आपको बता दूं कि ये बात या कहे तो ये मेहनत रंग भी लाई है। जी हाँ, ये बात केवल बिहार सरकार तक ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक भी पहुंच गई है। जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बाद आप लोग एक फोटो दिखाई देगा जिसमें एक शख्स जो कि गृह मंत्री से मिल रहे हैं। जी हाँ, आप लोग फोटो देख रहे हैं, एक गृह मंत्री से मिलकर बिहार में हो रहे कलाकारों के ऊपर अत्याचार का पूरा रिपोर्ट बताया है। जी हाँ, ये रियल न्यूज है, जो कि ये बात बिहार सरकार तक ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। ये शख्स जाके गृह मंत्री से मिले और उन्होंने बताया कि बिहार में कलाकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो अपना परफॉर्मेंस करने जा रहे, स्टेज शो करने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि बिहार सरकार उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, बिहार सरकार को इसे सीरियस लेना चाहिए। इस बात को बिहार सरकार के नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक भी पहुंचाया गया कि बिहार में कलाकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जैसे कि आप लोग खेसारी लाल यादव के साथ आप लोगों ने घटना देखा था, वीडियो देखा था कि कैसे खेसारी लाल यादव के ऊपर 200 से ज्यादा लोगों ने ईंट बरसाया, कैसे कैसे खेसारी लाल यादव वहां से जान बचा के भागे वहां से। आप लोग वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सही में खेसारी लाल यादव को मारने की साजिश हुई थी, लेकिन ये बात बहुत दूर तक फैल गई है और ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जो सरकार है, बिहार सरकार है या केंद्र सरकार, एक्शन में आ गई है और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए जोर शोर से तैयारी हो रहा है और एक नया कानून बनने भी जा रहा है। जी आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के समर्थक रोड जाम किए, आप लोग फूल देख रहे हैं और कहीं कहीं पर लोग पब्लिक में और खेसारी लाल यादव के समर्थक में भिड़ंत भी हो गया है। जैसे कि आप लोग कुछ फोटो और क्लिप देख रहे हैं, आपको बता दूं कि कल बिहार बंद के बाद खेसारी लाल यादव का ये जो बात था, बिहार में ऐसा कानून बने और कलाकारों को सुरक्षा दिया जाए, इसके मांग को लेकर जो कि 31 तारीख को बिहार बंद था। आपको बता दूं कि अश्लीलता के विरोध में लोग बोल रहे हैं ऐसे कि अश्लीलता के विरोध में हमने हमला कर दिया, लेकिन आपको बता दूं कि आपको लगता है कि कोई सिंगर आके स्टेज पर अश्लील गाना गा रहे या अश्लील हरकत करे, आप वहां से काला झंडा दिखाइए, वहां से आप चले जाइए। यदि आप नहीं रहेंगे तो किसको सुनाएंगे गाना? जी हाँ, लेकिन किसी को ये हक नहीं दिया गया है कि आप किसी के ऊपर डायरेक्ट पत्थर चला देंगे, जान से मारने की कोशिश करेंगे, जो कि सरासर गलत है। जी हाँ, सबका परिवार होता है, सबका फैमिली होता है, तो यदि आप लोगों को लग रहा है कि कहीं स्टेज पर लोग अश्लील गाने गा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तो आप वहां से चले जाइए, काला झंडा दिखा दीजिए कि हाँ भाई हमें ये पसंद नहीं, आप जो गा रहे हैं तो अपना भी सुधार करेंगे। लेकिन जब वो अश्लील गाना गा रहे तो आप लोग ताली बजा रहे, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मैं जो गा रहा हूं वही सही है, लोग खुश है। तो आप लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कि बिहार बंद में सारे लोग इकट्ठे हो गए और इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, तो आप लोग अश्लीलता के खिलाफ भी ऐसे आंदोलन करेंगे तो जरूर ही भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो जाएगी। तो ये 31 तारीख को खेसारी लाल यादव के समर्थक जो कि जोरदार विरोध किया और उनका बात जो कि सरकार तक पहुंच गई है और सरकार एक्शन में भी आ गई है। जी आपको बता दूं कि वैशाली में खेसारी लाल यादव का हमले का पूर्ण रूप से जांच किया जाएगा। जी हाँ, फिर से जांच किया जाएगा। ये सभी बातों की पर चर्चा हो रही है और एक सरकार जो है एक्शन में है और जल्द ही आप लोगों के बीच में ताजा रिपोर्ट आएगा कि खेसारी लाल यादव के पीछे किसका हाथ था, क्या सही में वहां पे साउंड प्रॉब्लम के चलते लोग गुस्सा हो गए और लोगों ने ऐसा पथराव किया। लेकिन पथराव करना गलत बात है, किसी का जान लेने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। जी हाँ, और हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल है, यदि ये साजिश है तो उनको जरूर ही गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसा लगा, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भोजपुरी की हर खबर जानने के लिए भोजपुरी वर्ल्ड को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भोजपुरी।